हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। अपने साथ है डॉक्टर निमेश, ब्रेस्ट सर्जन, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट, और आज हम लोग उनको बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और वो अनयूजुअल क्वेश्चन है, डॉक्टर निमेश, क्या ब्रेस्ट रिलेटेड कंसर्न्स मेन में, जेंट्स में, गाइज में, वॉट एवर यू कॉल इट, उन लोगों में होते हैं? अगर होते हैं तो उसके लिए क्या केयर वो लोग ले सकते हैं? Yes, Shreya. I do get male patients with breast complaints. Males में देखा जाएगा तो breast complaints ladies से थोड़ा कम रहते हैं, but yes, I do get some patients with breast complaints. The commonest is breast development. मतलब males में when there is a swelling overall of the breast, it is called as gynecomastia. वेरी कॉमनली वो bilateral रहता है, मतलब दोनों बाजू में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं। कुछ लोगों में यूनिलैटरल, मतलब एक ही बाजू में ब्रेस्ट बढ़ जाता है। अभी देखा जाएगा तो यंग लड़कों में कभी कभी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है एज दे ग्रो अप। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो रुक जा सकता है, तो उसके आगे हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, लेडीज के जैसे हो जाता है, तो फिर हमको रूल आउट करना पड़ता है कि कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं। कभी कभी अंडरलाइंग टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है जिसका सिम्टम ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, कभी कभी अननोन प्रॉब्लम्स रहते हैं हार्मोन रिलेटेड, वो हमको रूल आउट करने पड़ते हैं। तो कोई भी अगर आता है गायनेकोमेस्टिया लेके, तो हम लोग पहले उनका हार्मोनल इवेल्युएशन कर लेते हैं, क्लिनिकल इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि कोई टेस्टिकुलर लंप तो नहीं है, और ये सब अगर नॉर्मल रहता है तो हम लोग बोलते हैं इडियोपैथिक गायनेकोमेस्टिया। मतलब इडियोपैथिक मींस आई डोंट नो, टू बी रियली ऑनेस्ट, सो इट इज इडियोपैथिक गायनेकोमेस्टिया। एंड इफ द पर्सन इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि उनको, मतलब इज एम्बैरस्ड टू गो आउट इन पब्लिक, इज एम्बैरस्ड टू यू नो अटेंड सोशल फंक्शंस, and he is worried about the body image, then we offer them surgery. Surgical excision होता है, जिसमें हम लोग gynecomastia excision करते हैं through a very small incision just around the areola, and after healing it hardly shows. So that is a very satisfactory surgery. काफी अच्छा outcome भी रहता है। तो guys में जब भी उनको feel होता है, that's the only way that they can examine. Otherwise कोई और examine करने का way है क्या? जैसे मैंने बोला, लेडीज में एज वेल एज इन जेंट्स एग्जामिनेशन का मेथड इज द सेम। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वैसे ही करना है। गाइज में ब्रेस्ट टिश्यू कम होने की वजह से अगर कोई लंप फील भी होता है तो बहुत जल्दी फील होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली गाइज में ब्रेस्ट लंप अगर ग्रो भी होता है तो इट कैन कॉज इन्वेजन, मतलब इट कैन बिकम बैड वेरी क्विकली। सो ब्रेस्ट कैंसर्स मेन में अनकॉमन है, इट इज नॉट वेरी कॉमन, बट पाए जाते हैं। We do offer surgeries, उनका भी treatment जैसे females में होता है वैसे ही होता है, तो उनमें भी surgery लगती है, शायद chemo लग सकता है, radiation भी लग सकता है। डॉक्टर निमेश, मैं हमेशा ये बोलती हूँ that hormone का हम लोग जब भी बात करते हैं तभी yes, girls hormone have been checked काफी बार, ultimately कई बार ऐसे हो जाता है कुछ भी छोटा भी concern है तो doctor will tell आप एक बार check करवा लो hormones, जहाँ पे guys में ये बहुत ज्यादा common नहीं है। तो क्या ये एक्चुअली लड़कों में भी करवाना चाहिए that they should also get their routine hormonal examination, उससे अगर कोई एक चीज हम लोग प्रिवेंटिव कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं? वैसा कुछ नहीं। इन गाइस हार्मोन इवैल्यूएशन का रोल काफी कम है, अगर प्रॉब्लम है तो ही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली विमेन आर एट अ डिसएडवांटेज। व्हाई? बिकॉज विमेन हैव अ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज एवरी मंथ, whereas in men वो ऐसा कोई साइकिल नहीं रहता है। तो हार्मोनल प्ले जो है वो विमेन में ज्यादा एक्टिव है, एंड उसी के वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी ज्यादा है। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू विल बी मीटिंग डॉक्टर निमेश इन नेक्स्ट पार्ट वेयर वी टॉक अबाउट एब्सेस एंड मस्टाइटिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर निमेश, एंड बाय व्यूअर्स। थैंक यू।